जय हिंद दोस्तों। आईटीआई लिमिटेड कंपनी ने भर्ती निकाली हुई है। इंडिया गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है ये कंपनी, और इसमें जो भर्ती निकाली है एक्स सर्विसमैन के लिए है। और एक्स सर्विसमैन में सिग्नल कोर के जो भी जवान हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उनका ट्रेड होना चाहिए ऑपरेटर, ओपी कॉम या मैकेनिक। तो दो ट्रेड के ही अप्लाई कर सकते हैं आईटीआई कंपनी में। टेक्निकल वर्क है, और जो टेक्निकल वर्क है उसमें रेडियो का नॉलेज होना चाहिए, आरआरएफ का नॉलेज होना चाहिए। तो इसके बारे में पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो ये इंडिया अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, तो सरकारी कंपनी है, और जॉब में जो सैलरी रहेगी वो भी सरकारी सैलरी के हिसाब से रहेगी, काफी अच्छी सैलरी है। तो शुरू करें उससे पहले बता दें कि हमारे चैनल में रोजगार से संबंधित वीडियो मिलते रहते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे भी ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियो मिलने वाले हैं। तो ये जो वैकेंसी निकली है आईटीआई बेंगलुरु ने निकाली है। हालांकि जो जॉब लोकेशन रहेगी बेंगलुरु में रहेगी, मानकपुर में रहेगी, मनकापुर, नैनी प्रयागराज में रहेगी, पलक्कड़ में रहेगी, रायबरेली में रहेगी, और इंडिया की 25 स्टेट में इसकी लोकेशन है। तो जो 25 स्टेट है इंडिया के, सभी स्टेटों में इनकी लोकेशन है, तो कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, ध्यान रखें। आप इनकी वेबसाइट में यह नोटिफिकेशन देख सकते हैं, नहीं तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसके थ्रू आप देख लें। ये ध्यान रखें जो ये जॉब है ये ओपी कॉम हो या ओएसएस हो या ओपी या मैकेनिक हो, टीटीसी वही अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखें। सिग्नल कोर के शुरू करें तो उससे पहले जो जॉब निकली है सिर्फ एक्स सर्विसमैन ही अप्लाई करेंगे, और सिग्नल के 3 वैकेंसी है। नंबर 1 है चीफ मैनेजिंग टेस्टिंग एंड इक्विपमेंट आरएफ रेडियो 4G 5G, इसका नॉलेज भी होना चाहिए, आगे बताएंगे। एक चीफ मैनेजर आरएफ रेडियो 4G 5G का नॉलेज होना चाहिए, ये उनको अगर उन्होंने ट्रेड वर्क किया है तो उनको वह नॉलेज होता है। इसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसमें भी आपको आरएफ 4 रेडियो 4G 5G का मैनेजमेंट आपको करना आना चाहिए। तो देखते हैं इसमें जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन मांगी गई है और एक्सपीरियंस मांगा गया है, और कब कितने दिनों के लिए अपॉइंटमेंट मिनिमम करना रहना होगा। तो ग्रेजुएशन मांगा गया है 60% से और 58% से ओबीसी SC ST के लिए, बाकी जनरल ओबीसी के लिए 60% होना चाहिए। इसके बाद 12 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि ट्रेड वर्क 12 साल का किया हुआ होना चाहिए। इसके बाद टर्नओवर होना चाहिए, 5 साल का टर्नओवर आपको करना ही है, ये जॉब करनी ही है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें अपर एज 45 बिलो होनी चाहिए एज चीफ मैनेजर के लिए, 42 ईयर्स होनी चाहिए मैनेजर के लिए। तो और इसमें एक चीज और दिया है, जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए एज पर रूल्स एज रिलैक्सेशन है, तो कोई दिक्कत नहीं है उनको। जो भी एज पर रूल यानी कि 3 साल प्लस सर्विस डिडक्शन पूरी छूट होती है, तो आप उस वो एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं। अभी एक्स सर्विसमैन के बारे में और भी दिया हुआ है, आर्मर्ड फोर्स प्लस 3 ईयर सर्विस, इतनी एज रिलैक्सेशन होती है, और मैक्सिमम एज 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। JCO और NCO OR सभी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एज 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। JCO को थोड़ा दिक्कत आ सकती है, ध्यान रखें। JCO 55 ईयर, एक्चुअल एज 55 ईयर है, वो भी अप्लाई कर सकता है, ध्यान रखें। इसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन चीफ मैनेजर की बात कर लेते हैं, तो जॉब डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दिया हुआ है, जो सिग्नल के ये OCC और ऑपरेटर और मैकेनिक है उनको पता है क्या इसमें जॉब होती है, आरएफ रेडियो आरआरएफ में क्या काम है, वो अपना देख ले, उसी हिसाब से ये काम रहेगा। ट्रेड वर्क आना जरूरी है क्योंकि इंटरव्यू बेस्ड जॉब है। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात कर ले तो इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको ट्रेड वर्क आपको आना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, तभी आप इसको अप्लाई करें, ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 12 ईयर का स्किल के बारे में, 12 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आरएफ रेडियो में आपका नॉलेज होना चाहिए, और जो स्विच होते हैं AD हैंडलिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। AD, ये AD लिंक स्विच होते हैं, एक्सचेंज में होते हैं,
जो कि आप अगर सिग्नल के ट्रेडवर्क से संबंधित जवान हैं तो आपको पता होगा। इसके बाद हल्का फुल्का नॉलेज एमएस ऑफिस में होना चाहिए, एक्सेल में होना चाहिए, पावर पॉइंट में भी होना चाहिए और एसएपी ईआरपी सिस्टम का भी नॉलेज होना चाहिए। ये अगर आप ट्रेडवर्क से संबंधित हैं तो आपको अच्छा नॉलेज होगा, इसमें कोई टेंशन नहीं इसकी। इसके बाद चीफ मैनेजर की भी दी है, उसमें क्या क्या चाहिए, वायरलेस रेडियो का नॉलेज होना चाहिए, वायरलेस के लिए ऑपरेटर और मैकेनिक दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इसमें दिया हुआ है सारा, दिया हुआ डिटेलमेंट, पूरा डिटेलमेंट अपना नोटिफिकेशन देख लेंगे जिनको अप्लाई करना है। स्किल टेस्ट की बात करें तो 12 ईयर इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, आरएफ रेडियो मैन्युफैक्चरिंग का जो भी इसमें होता है वो सब आपको नॉलेज होना चाहिए तभी आप अप्लाई करें। इसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर का भी दिया हुआ है। इसके बाद अभी सैलरी की बात कर लेते हैं, सैलरी कितनी मिलेगी इसकी, तो सैलरी आप बहुत ही अच्छी सैलरी है, तो सैलरी की हम बात करेंगे। उससे पहले बता दें जो स्किल इसमें चाहिए 9 साल का चाहिए और आरएफ रेडियो इसके 4G 5G का नॉलेज होना चाहिए, इसमें एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट का भी नॉलेज होना चाहिए, सभी में मैंडेटरी है, कंपलसरी है। अभी पे स्केल की बात कर ले तो पे स्केल ग्रेड 6 का पे मिलेगा, आप पे स्केल 5 से, जो भी एनसीओ होते हैं वो पे स्केल 5 से रिटायर्ड होते हैं तो उनको ग्रेड 6 की पे मिलेगी, ध्यान रखें 80,240 रुपये पे रहेगी, जिसमें काउंट है बेसिक, डीए और एचआरए, तीनों चीज इसमें मिला हुआ है। पे रहेगा, पे स्केल 16,000 बेसिक रहेगी, 400 रुपये डीए रहेगा और 20,800 रुपये एचआरए रहेगा। टोटल आपका रिवाइज पेमेंट ये रहेगा, प्री रिवाइज दिया हुआ है, टोटल इसका दिया हुआ कंपनी के रूल्स के अनुसार आपको मिलेगी। ग्रेड जो 5 में रहेंगे मैनेजर के पद पे, उनकी 72,717 रुपये सैलरी रहेगी और जो बेनिफिट है, बेनिफिट सारी चीजें मिलेंगी, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, ग्रेजुटी सब मिलती, 30 डेज लीव मिलेगी, 12 दिन की सीएल मिलेगी, तो टोटल 42 ईयर्स डेज की छुट्टी मिलेगी, इसमें ध्यान रखें। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे कैसे अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड, आपका मेडिकल होगा तो मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए कंपनी के मेडिकल ऑफिसर आपका मेडिकल टेस्ट लेंगे, ध्यान रखें। नो रिलैक्सेशन हेल्थ स्टैंडर्ड, हेल्थ स्टैंडर्ड में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, थ्रू ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और 16/12/2021 से पहले अप्लाई करना है, ध्यान रखें 16/12/2021। इसके बाद ऑफलाइन भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, वो 20/12/2021 तक आपको सबमिट करने हैं। कोई भी फीस रिक्वायरमेंट, कोई भी फीस नहीं लगेगी इस कंपनी की तरफ से, आपको किसी तरह की फीस पेड नहीं करनी है। आप जो ऑफलाइन फॉर्म जो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उसका एड्रेस ये दिया हुआ है, ये एड्रेस नोट करके आप उसको भेजना होगा आपको। इसके बाद जो सेल्फ अटेस्टेड क्लास 10th की सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो सब इसमें आपको भेजने हैं साथ में। बाकी ये सिर्फ सिग्नल कोर के ऑपरेटर और ये मैकेनिक ही अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखें। ये था सिग्नल कोर की जॉब का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आगे भी ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियो मिलने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद।